लोगों को मिलकर के बड़ा आनंद आया और मुझे इसकी कल्पना भी नहीं थी कि इतने सहयोगी हैदराबाद में हो गए। एक विशेषता हैदराबाद की है कि यहाँ सब तरह के लोग आपस में मिल गए हैं, जैसे कि हमारे नागपुर में भी मैंने देखा कि हिंदुस्तान के सब और के लोग नागपुर में बसे हुए हैं और इसलिए वहाँ पर लोगों में जो संस्कार है उसमें बड़ा खुलापन है और एक दूसरे की ओर देखने की दृष्टि भी बहुत खुली हुई है। अब हम लोगों को जब सहयोग की ओर नए तरीके से मुड़ना है तो बहुत सी बातें ऐसी जान लेनी चाहिए कि सहयोग ये सत्य स्वरूप और हम लोग सत्यनिष्ठ, जो कुछ असत्य है उसे हमें छोड़ना। कभी कभी असत्य का छोड़ना बड़ा कठिन होता है क्योंकि बहुत दिन तक हम किसी असत्य के साथ जीते रहते हैं, फिर कठिन हो जाता है कि उस असत्य को हम कैसे छोड़। लेकिन जब असत्य हमसे चिपका रहेगा तो हमें शुद्धता नहीं आ सकती क्योंकि असत्यता एक भ्रामकता है और उस भ्रम से निकलने के लिए हमें एक निश्चय कर लेना चाहिए कि जो भी सत्य होगा उसे हम स्वीकार करेंगे और जो असत्य होगा उसे हम छोड़। इसके निश्चय से ही आपको आश्चर्य होगा कि कुंडलिनी स्वयं आपके अंदर जो कि जागृत हो गई है इस कार्य को करेगी और आपके सामने वो स्थिति ला खड़ी करेगी कि आप जान जाएंगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। यही नहीं पर आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी कि जिससे आप सिर्फ सत्य को ही प्राप्त करना चाहेंगे और जितना भी असत्य आपको दिखाई देता है उसे छोड़ देंगे। अब बहुत सी बातें जो सहयोग में बताई जाती हैं वो बहुत सोच समझ करके और आप लोगों के संस्कारों का विचार करके कि जिससे आप किसी तरह से दुखी न हो समझाई जा सकती है। लेकिन उस समझाए जाने में भी हो सकता है कि आप सोचे कि ये बात ठीक नहीं है, वो बात ठीक नहीं है। बहुत से शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं वो अधिकतर सत्य है पर कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि बीच बीच में बहुत सी गलत धारणाएं भी भर और इन गलत धारणाओं की वजह से हम उसी को सत्य मान के चल रहे हैं। जैसे कि ज्ञानेश्वरी में ऐसा लिखा गया है कि जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो आप हवा में उड़ने लग जाते हैं और आप पानी पे चलने लग जाते हैं और आपको बहुत सात समुद्र के दूर की बातें दिखाई देती हैं। अभी अशक्त है क्योंकि ज्ञानेश्वर जी एक संत थे, महान संत थे। हम लोगों को उस पर सोचना चाहिए कि संत लोग जन हिताय जन सुखाय संसार में वो इस तरह की बातें मनुष्य को सिखाकर कौन सा सुख देने वाले, उससे कौन सा आराम होने वाला है कि आप हवा में उड़ने लग जाएं तो क्या विशेष हो जाए या अगर आप पानी पे चलने लग जाएं तो क्या विशेष हो जाए। लेकिन जिस चीज से हमको असल में लाभ होता है वो है हमारे अंदर का परिवर्तन और हमारा परमात्मा से संबंध होना। पर उसी ज्ञानेश्वर में लिखा गया है कि पसायदान यानी ये कि वो कहते हैं कि अब विश्व के जो आत्मा है विश्वात्मक जो है उन्होंने खुश होना चाहिए क्योंकि मैंने वाणी का यज्ञ किया है और अब आप ऐसा पसायदान दे ऐसा चैतन्य दे जिसे सारे संसार में परिवर्तन आ जाए। और सारी बात परिवर्तन की लंबी चौड़ी तो ये समझ लेना चाहिए कि जो पहली बात थी वो किसी ने उसमें भर दी क्योंकि ऐसी बात ज्ञानेश्वर जी कभी लिख ही नहीं सकते कि आप हवा में उड़ेंगे या आप पानी पे चलेंगे, इससे क्या लोगों का फायदा होने वाला। वैसे ही हम लोग हवा में उड़ रहे हैं, वैसे ही हम चल रहे और वैसे ही दूरदर्शन से हम देखते हैं दूर, इसमें कुंडलिनी की क्या जरूरत है। सो कुंडलिनी से जो कार्य होना है उसको समझना चाहिए और जिस तरह से भी हरेक ग्रंथ को हम पढ़ते हैं तो इसमें ये सोचना चाहिए कि इसका विचार जो है चाहिए। इसी प्रकार हमें गीता में भी हर धर्मशास्त्र में गलत चीजें मिलती हैं। जैसे कि गीता में लिखा हुआ कि आपका जन्म जिस जाति में होता है वही आप जाति हो जाते हैं, कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि जिसने गीता लिखी वो कौन थे, व्यास। और व्यास किसके लड़के थे आप जानते हैं कि एक धीवरनी के एक मच्छी हारनी के लड़के थे जिनकी शादी भी नहीं,
ऐसे के जो बेटे थे वो थे व्यास, वो ऐसा कैसे लिखेंगे कि आपकी जो जन्म से जाति होगी वही जाति हो जाएगी। लेकिन कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थित, माने सबके अंदर बसी हुई उसकी जाति है। जाति है, जाति का मतलब होता है जो हमारे अंदर जन्मजात, हमारे अंदर जो एक तरह का रुझान है, एप्टीट्यूड है। हमारे रुझान कहाँ है, हम किस और रुझे हुए। बहुत से लोग हैं जो कि पैसे को खोजते रहते हैं, बहुत से लोग हैं जो कि बड़ी सत्ता को खोजते रहते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कि परमात्मा को खोजते हैं। जिसकी जो जाति माने जिसका जो रुझान है, जिसकी जो एप्टीट्यूड है, वो उसके अंदर एक बसी हुई एप्टीट्यूड। इसका मतलब यह है कि सहयोग में वही लोग आएंगे जो परमात्मा को खोजते हैं, जो ब्रह्म को सोचते हैं, और जो इस ओर ध्यान देते हैं कि हमें परम को प्राप्त करना है और दुनियाई चीजों में क्या। पहले ऐसे ही लोग आएंगे, प्रथम में ऐसे ही लोग आएंगे जो कि वास्तविक में सोचते हैं कि किसी तरह से परमात्मा को प्राप्त कर लें, या इस परमात्मा चीज को जान लें, या इस आत्मा में हम लोग समा जाए। इस तरह के जो लोग सोचते हैं, किसी भी वजह से, किसी भी पुस्तक के पढ़ने से, या किसी संत साधुओं के साथ रहने से, किसी गुरुजनों के साथ रहने से, जो लोग इस तरह का सोचते हैं पहले सहयोग में। इसलिए आप देखिएगा कि सहयोग की प्रगति धीरे होती है, और सब चीजों की प्लास्टिक प्रगति है। हजारों आदमी आप पालेंगे कि जो किसी गुरु के पीछे में दौड़ेंगे, लेकिन फिर वो छोड़ देते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, उनको पैसा ऐसा देते हैं और किसी तरह से ठीक हो जाते। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जो सच्चाई होती है और जो जीवंत चीज होती है वो धीरे धीरे पनपते, एकदम ज्यादा नहीं पनपते। आपको अगर एक वृक्ष में फूल आने हैं तो पहले एक दो ही फूल आते हैं, फिर चार पांच फूल आते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें अनेक फूल आ जाते हैं। तो मनुष्य को ये जब सहयोग के और जान हो जाती है और वो सहयोग में आ जाता है, तो उसको कभी कभी बड़ा दुख होता है और उसे लगता है कि आखिर इतने धीरे धीरे सहयोग क्यों बढ़ते हैं, सहयोग की प्रगति इतने धीरे धीरे क्यों। लेकिन उसकी वजह अब आप समझ गए कि ये जीवंत चीज है और इस पे किसी पे जबरदस्ती हम नहीं कर सकते। हम किसी को कहें कि आप पार हो गए तो नहीं हो सकते, ये होना पड़ता है। जब तक ये होना नहीं होगा, जब तक ये बात घटित नहीं होगी, तब तक हम नहीं कह सकते कि ये हो गया। जैसे कि एक हमारे साथ दीवी जी थी, वो गई अमेरिका, उनका लड़का आया होनोलुलू से, तो मुझे कहने लगे कि माँ इनको आप पार करा। तो मैंने कहा ये होते नहीं, मैं क्या करूँ, तू करा दो पार। मैंने जब आपसे नहीं होते तो मैं कैसे करूँ। तो फिर मैंने कहा क्या उसको झूठा सर्टिफिकेट दे दें कि तू पार हो गया, मैंने उससे क्या फायदा होने वाला। मैंने कहा यही बात, इसलिए ये घटित होना पड़ता है और ये सत्य स्वरूप प्राप्त होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ और कोई झूठ मूठ में कहने लगे कि नहीं मुझे पार हो गया, कोई तो हो नहीं सकता। और हर आदमी ही पार होगा ऐसा भी आप नहीं कह सकते, बहुत से लोग नहीं होते, अनेक कारणों की वजह से नहीं हो सकते। तो कभी ये लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ज्यादातर लोगों में तो ये विचार आता है कि जब कभी हुआ नहीं, उसके लिए इतनी तपस्या करनी पड़ती थी, हिमालय जाना पड़ता था, ये करना पड़ता था, तो अब हमें कैसे। असल में अगर किसी से कहा जाए कि यहाँ एक हीरा रखा है और आपको मुफ्त में मिल जाएगा तो सब दौड़ाएंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि सहज में ही, सस्ते में ही, बगैर कुछ पैसे दिए हुए आपके कुंडली जागृत हो जाएगी, तो लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि अपने पर विश्वास नहीं, आत्मविश्वास नहीं, और वो समझ नहीं सकते कि ये समा कौन सी है, ये कौन सा विशेष समा है कि जिसमें ये चीज घटित हो सके। तो हमारे लिए क्या सोचना चाहिए कि हम लोग जो है आज एक विशेष स्थिति में, हम लोगों ने कुंडलिनी का अभ्यास नहीं किया हो, उसके बारे में पढ़ा न हो, लिखा न हो, पर हमारी जागृति हो गई, और जब जागृति हो गई है और हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया है, तो ये सोच लेना चाहिए कि अब सब कार्य जो है वो हम नहीं करने वाले। ये चारों तरफ फैला हुआ जो परम चैतन्य है, जिस परम चैतन्य ने सारी सृष्टि की रचना की है, आज उसी परम चैतन्य से हम एकाकारिता प्राप्त कर चुके हैं, और उस परम चैतन्य का ही ये कार्य है कि वो हमारे सारे कार्य करे। सो हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो अकर्म में खड़े हैं। जैसे कि आज इसका कनेक्शन है आपका मेन से लग गया, तो मैं इसमें बोल रही हूँ तो सुनाई दे रहा है,
इसका उपयोग हो रहा है। उसी प्रकार जब हमारा संबंध उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम की सृष्टि परम चैतन्य से हो जाता है, उस वक्त हमें कोई भी फिक्र करने की या कोई भी तरह की चिंता करने की जरूरत, सारी चिंता वही करती। उस पर भी मनुष्य जब शुरू शुरू में सहयोग में आता है तो वो सोचता है कि चलो ये भी करके देख लें, चलो वो भी करके देख लें, बहुत तर्क वितर्क करता है और सोचता है कि चलो इससे काम बन जाएगा, ऐसे करना चाहिए, और उसी चिंता में रहता है। लेकिन धीरे धीरे वो समझ लेता है कि मेरा करने से कुछ नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचें कि मैं करके देख लेता हूँ तो परमात्मा कहते हैं अच्छा कर लो, तुमको जो कुछ करना है कर। उसको कहते हैं अल्पधारिष्ठ, अल्पधारिष्ठ जो उसको वो देखता है कि आपके इतना अल्पधारिष्ट है, चलो इसको कर दीजिए। पर उसके बाद जब धीरे धीरे आप में ये पूर्ण विश्वास आ जाता है कि परम चैतन्य सब कार्य कर रहे हैं, तब अपने आप परम चैतन्य स्वयं सारे कार्य को करके दिखा देते हैं और सब कार्य बनते जाते हैं। उसको स्वीकार करना चाहिए, किसी भी चीज को ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐसे क्यों। अब जैसे बताएं कि कभी अगर हमारा रास्ता भूल गया और हम रास्ते से किसी और रास्ते से जा रहे हैं तो यही सोचते हैं कि किस रास्ते से जाना जरूरी था, इसीलिए रास्ता भूल गया और इसीलिए हम इस रास्ते पर आ गए। फिर कोई सोचता है कि इस तरह से क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी बहुत सारी बातें हमारी समझ में नहीं आती है, बहुत दिनों बाद समझ में आ जाती है कि ये होना जरूरी था और इसलिए ये चीज घटित होती है। तब हम लोग एक तरह से उसमें शांति कर लेते हैं, इत्मीनान कर लेते हैं और यही जान लेते हैं कि जो कुछ भी होना था वो कितने बढ़िया तरीके से। तो कोई चीज हमारे मन के विरोध में हो जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि परमात्मा ने हमारी मदद नहीं की। परमात्मा ने तो मदद की है कि आपके जो मन की जो इच्छा थी वो ठीक नहीं, इसलिए जो सही बात होनी चाहिए वो परमात्मा ने आपके लिए कर, क्योंकि परमात्मा से ज्यादा तो हम सोच नहीं सकते। इस परम चैतन्य के कार्य से हम ज्यादा कार्य तो कर नहीं सकते, इसलिए उसने जो कार्य किए हैं और उसने जो व्यवस्था की हुई है और वो जो हमारे लिए कर रहे हैं और जो कुछ हो रहा है वो सब चीज अत्यंत सुंदर और किसी भी परिश्रम के बगैर सहज में ही घटित हो जाती। बड़ी मुझे आनंद की बात है कि हैदराबाद में आप लोग इतने सहयोगी हो गए। अब सहयोग में इसके दो अंग है, मेरा ऐसा कहना है कि इन दोनों अंगों को संभालना चाहिए। एक तो अंग ऐसा है कि जिसमें ध्यान धारणा आदि करनी चाहिए, घर में अपने व्यक्तिगत रूप से भी हमें ध्यान धारणा जरूर करना चाहिए और हमारे अंदर के दोषों को निकाल। ध्यान धारणा की जो हम लोगों की प्रणाली है बहुत ही सरल सहज है, एक सवेरे 10 मिनट शाम को 10-15 मिनट बैठने से भी ध्यान धारणा होता है। पर पहले अपने अंदर कौन सा दोष है उसे देख लेना चाहिए। बहुत बार लोग ये नहीं समझते कि हमारे लिए कोई राइट साइडेड है कोई लेफ्ट साइडेड है तो वो उल्टे इलाज करने शुरू हो जाए, इसलिए पहले जान लेना चाहिए कि हमारी कौन सी दशा है, हमारा कौन सा चक्र पकड़ रहा है, हम कहाँ हैं, ये सब आप लोग जान सकते हैं। आप जब फोटो की ओर ध्यान करेंगे तो आप जान लेंगे कि आपके इस चक्र में दोष है कि उस चक्र में दोष है और उसको पूरी तरह से समझ करके पूर्ण उसके ज्ञान के साथ में उसको आपको सुलझा लेना चाहिए। उसको सुलझाने के बाद में ये व्यक्तिगत हो गया, फिर आपको सामूहिकता में उतरना और सामूहिकता में उतरते वक्त आपको जान लेना चाहिए कि अपना हमें दिल खोल लेना चाहिए। जिस आदमी का दिल खुला नहीं है वो सामूहिकता में उतर नहीं सकता। बहुत से लोग संकुचित प्रवृत्ति के हो गए हैं, कारण उन्होंने वो जाना नहीं कि दुनिया कितनी अच्छी है और कितने हम इसे अच्छे बना सकते। जिसने अच्छी व्यवस्था देखी ही नहीं, जिसने अच्छा सुंदर सा संसार देखा ही नहीं, उनको विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा संसार हो भी सकता, इसलिए वो अपने संकुचित हृदय से रहते हैं। और दूसरी बात उसमें ऐसी होती है कि जब हम औरों के और नजर करते हैं तो पहले हमें उनके दोष दिखाई देते हैं, जब हम दूसरों के दोष देखने लगते हैं तो हमारे अंदर ज्यादा दोष आ जाते हैं, लेकिन हम उनके गुण देखें, उनकी अच्छाई देखें और उनकी सुंदरता को देखें तो हमारे अंदर भी वो सुंदरता आ जाएगी और उस आदमी के जो दोष होते हैं वो भी लोप हो जाए। जब दूसरा कोई है ही नहीं, जब वो हमारे ही शरीर का एक अंग मात्र है,
तो फिर उसमें दोष देखने से क्या फायदा। दोष को हटाना ही चाहिए, और दोष को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको किसी तरह से सुलझाकर प्रेम भाव से ही उसको हटाया जाता है, क्योंकि अपना सारा कार्य जो है वो प्रेम की शक्ति, और प्रेम ही सत्य है और सत्य ही प्रेम है। जो प्रेम की शक्ति को इस्तेमाल करेगा वो बहुत ऊंचे उठ जाता है। हृदय को खोल करके प्रेम से आपको दूसरों की ओर देखना, इस तरह से एक तो ये आपका अंग है जिसमें आप अपनी व्यक्तिगत दृष्टि में प्रगति करते हैं, और एक आप समष्टि में प्रगति करते हैं जो दूसरों के साथ मेलजोल प्यार हो जाए। जिसका मेलजोल दूसरों के साथ नहीं बैठता है तो उसको सोच लेना चाहिए कि वो सहज नहीं। जिसका जो प्रश्न खड़े कर देता है, जिससे लोगों को तकलीफ हो जाए, जिससे आपस में प्रेम न बढ़े, बैर बढ़ जाए, आपस में झगड़ा हो जाए, ऐसा आदमी सहज नहीं है, और ऐसे आदमी से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा आदमी एक भी आम खराब हो जाए तो सारे आम वो खराब। तो आदमी इधर से उधर लगाएगा, इधर से उधर बात करेगा, इसके खिलाफ बोलेगा, उसके खिलाफ बोलेगा। इसलिए किसी भी सहयोगी की निंदा सुनना हमारे सहज में एक पाप सा है, क्योंकि उसको सुनने से हमारे कान खराब हो जाते हैं, और उससे हम उस आदमी के प्रति एक तरह से गलत तरीके से कहना चाहिए कि उसके प्रति हमारा जो विचार होता है वो ठीक नहीं है। आपको जब दूसरों से व्यवहार करना है तो देखना चाहिए कि हमारे अंदर कितना औदार्य है, हम कितनी क्षमा कर सकते हैं, हम कितने प्यार से उनसे बोल सकते हैं, उनको हम कितने नजदीक ले सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारे असली रिश्तेदार हैं। बाकी की रिश्तेदारी तो आप जानते ही जैसी होती है, लेकिन जो असली रिश्तेदारी है वो सहजियों की है। और आपको जब पता होना चाहिए कि 40 देशों में आपके भाई बहन बैठे हुए हैं, और जब कभी आप उनसे सब मिलेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो। दूसरी जो स्थिति है उसमें है सहयोग का ज्ञान होना और सहयोग का प्रचार, ये भी अत्यावश्यक है, विशेषता औरतों के लिए, स्त्रियों के लिए, क्योंकि स्त्री जो है वो शक्ति स्वरूप नहीं है। उसको समझ लेना चाहिए कि कौन सा चक्र पकड़ता है, तो कौन सी उंगली पकड़ती है, कौन से पैर में उंगली पकड़ती है, उसको कैसे निवारण करना चाहिए, उसके क्या दोष है, उसे क्या बीमारियां हो सकती हैं, किस तरह से हम लोगों को ठीक कर सकते हैं, कौन से दोषों से हम जान सकते हैं कि कौन से चक्र पकड़े हुए हैं, उसका निवारण कैसे करना चाहिए, आदि जो कुछ भी ज्ञान है, कुंडलिनी के बारे में ज्ञान क्या है, आदि सब बैठ करके मनन करके सोच करके और आपको जान लेना। लेकिन अधिकतर लोग सहयोग में आने के बाद उसके ज्ञान की ओर ध्यान नहीं देते, उनको ज्ञान नहीं रहता और सहयोग करते रहते, तो उसका ज्ञान होना अत्यावश्यक है। क्योंकि ऐसे तो दुनिया में बहुत से लोग आए जो कि हम देखते हैं कि पार हैं, बच्चे हैं बहुत सारे, वो भी ऐसे पैदा होते हैं जो कि सहजी हैं,